बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो मेरी ब्रांड्स के लिए है जो बहुत महंगे महंगे कपड़े बेचते हैं और सर्दियों में तो उनका कोई हाल ही नहीं, क्योंकि उनके लिए उन्होंने बहुत महंगाई की हुई है। मैं उन्होंने यह कहना चाहनी हाँ, जद भी आना है मौसम ठंडा तो असी पाना है लंडा। तो हमारे इधर मंगल बाज़ार लगा है, तो हम वहाँ गए हैं, वहाँ से हमने लंडा बाज़ार की शॉपिंग की है। बहुत ही ज़बरदस्त, मैं आपको दिखाऊंगी। इधर बहुत इजीली बहुत ही सस्ते सस्ते कपड़े मिल जाते हैं बच्चों के। तो मैं कह रही हाँ, गरीबों को लंडे ने बचा लिया, नहीं तो इन्हों ब्रांड्स ने ना कर कर महंगाई कख नहीं छड़े है लोगों का। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त फ्रॉक, ये सब 200 150, सब के इतने ही हैं, 100 200 300 बस। तो ये ज़बरदस्त से टाइट्स, जैकेट्स, शूज़, एवरी वन ऑफ दिस, इधर हर किस्म के ना चीज़ें जो हैं जो सर्दियों में यूज़ होती हैं वो हैं, सॉक्स और मैं कहनी सारा कुछ। हम जी मैं शॉपिंग की हूँ, मैं तुम दिखा नहीं, ये मेरी बेटी का फ्रॉक, ये पैंट बेटे की, और ये मेरा स्वेटर, और ये मेरे बेटे की शर्ट, ये मेरी बेटी की है जर्सी, और ये उसका पजामा छोटी बेटी का। तो ये बच्चों के लिए मैंने सब खरीदारी किया है। ये मेरी है फ्रॉक, और इसके लिए एक जूता भी लिया है, देखें कितना ज़बरदस्त है। मैं कहती हूँ ये 200 का है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी जाएं, चलें जी आज बनाते हैं मूली वाले पराठे, यम्मी यम्मी से। सर्दियों में ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, मज़े के लगते हैं। मूलियों को मैंने क्रश कर लिया है और इसमें डाल लेना है, तो सुरख जो कुटी हुई लाल मिर्च है, हरा धनिया, सूखा धनिया। मैं कहनी हाँ सर्दियाँ कमाल दी होंगे ने, मूली वाले पराठे, मेथी वाले पराठे, मेथरे वाले पराठे, पालक वाले, गोभी वाले, आलू वाले पराठे, पराठे हुई होंगी है बस, ता ही तो लोग मोटे होंगे ने सर्दियों। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। एक रोटी मैंने छोटी सी बेल के रखी हुई है, तो इसको इसमें सूखा धनिया भी डाल लें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हरा धनिया, हरी मिर्च। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारा ये जो मिक्सचर है रेडी हो गया मूलियों वाला। तो चलें जी, साथ ही हमने एक रोटी बेल ली है और उसके ऊपर ये पराठे के लगाने हैं। इसको ना मूलियों में ये बहुत ज़्यादा ना ऐसे मूलियाँ जो होती हैं पाँच छोटी, इनको ज़्यादा के लिए नहीं रखना आपने, फ़ौरन ही इनको क्रश करके तो फ़ौरन ही इसका पराठा बना लेना है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी मैंने एक रोटी बेल ली है, उसके ऊपर मैंने मूली सारी स्प्रेड कर दी है। ये करके फिर एक और रोटी बेल लेनी है हमने, तो वो मैंने पहले ही, क्योंकि मैं अकेली ही लगी हुई थी बनाने के लिए, एक हाथ में मेरा मोबाइल था, और ये मैंने एक और रोटी बना ली है। तो ये देखें मैंने एक रोटी और बना के इसके ऊपर रख देना है, और सॉरी इससे पहले ना हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है। इस ऑयल से देसी घी है वो डाल लें, ऑयल है वो डाल लें, जो आपका दिल है, बहुत ज़बरदस्त मिसा टेस्ट आता पराठे में। तो इसके ऊपर ऑयल डाल के, तो ये एक रोटी जो है मेरा एक हाथ में मोबाइल था, बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना रही थी, तो ये इसको ऐसे स्प्रेड कर लेना है, इसको मकू टप्पा कर लेना है, यानी कि इसको पैक कर देना हमने, जैसे गिफ्ट पैक करते हैं ना वैसे, इसको बिल्कुल पैक करके, तो इसके ऊपर सूखा आटा लगा के इसको बेल लेना थोड़ा सा। और तो इसको ये देखें ज़बरदस्त सा पराठा तवे के ऊपर जाने के लिए रेडी था, इसको फ़ौरन से मैंने डाला इसके ऊपर, और ये ज़बरदस्त था, यमी यमी सा हमारा मूली वाला पराठा, साथ मैंने पालक वाले पराठे, मैं कहनी पराठे पराठी हुई जी उत्थे थे। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत यमी मज़े के बनते हैं, साथ मक्खन, लस्सी, दही, सब कुछ जो दिल खाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़, प्लीज़ टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल।